हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। आज हमारी 50वीं क्लास है। इसके पहले हमने 49 क्लास कम्प्लीटली पढ़ ली है। आज हमारी 50वीं क्लास है जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है लोक कला। क्या नाम है? लोक कला। इसे हम आज ही कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जिसने भी सुबह वाली क्लास ना देखी हो, 8 बजे जो होती है वो ज़रूर देख ले, क्योंकि सुबह जो है थ्योरी वाला सेक्शन होता है और शाम को सीधे छपने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। किसने किसने देखी है सुबह वाली क्लास, बताओ जल्दी से, किसने देखी है सुबह वाली क्लास, करो जल्दी रिप्लाई, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें। चलिए चलिए, ठीक है। जिसने क्लास देख ली है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है वो कृपया करके देख लें, क्योंकि जो सुबह वाली क्लास होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो थ्योरी वाला सेक्शन होता है और थ्योरी प्लस प्रैक्टिस इस टाइम पर दोनों हम साथ में चला रहे हैं, तो सुबह वाला ज़रूर देख लीजिए। और शाम को जो है अपना चल ही रहा है, सीधे छपने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। और जिसने भी इसके पहले की जो 49 क्लास हैं कम्प्लीटली, इसके पहले जो 49 क्लास हो चुकी हैं, इसकी जो ना देखी हो, जिसने ना पढ़ी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक शेयर कर दी है, आप वहाँ से जाकर कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से, फटाक से जल्दी से जोड़ लीजिए सभी को, फिर अपनी क्लास हम स्टार्ट करें। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए चलिए, राधे राधे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है धीरे से। फड़ लोक कला किसका रूप है? मधुबनी, कालीघाट, पुरलिया, भीलवाड़ा। फड़ लोक कला किसका एक रूप है, बताओ जल्दी से, फास्ट। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आज ही कंप्लीट करना है, बताइए क्या होता है राइट आंसर। फड़ लोक कला किसका एक रूप है? सभी लोग, सभी को जोड़ लिया करिए, ठीक है। हाँ, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो अभी फटाक से कर ले, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम से ऐड हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, ये है भिलवाड़ा। फड़ किसका रूप है, तो ये भिलवाड़ा का है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए आगे आता है क्वेश्चन। गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था? रामचंद्र नायर, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, गगनेंद्रनाथ टैगोर, किसने किया था, बताइए फास्ट। गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था, क्या होता है राइट? चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, ज्योति भट्ट ने। किसने किया था? ज्योति भट्ट ने रंगोली परंपरा का जो दस्तावेजीकरण किया था, कहाँ पर? गुजरात और महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, कलमकारी कला का प्रकार कौन नहीं है, बताइए। मसूलीपट्टनम, श्रीकलाहस्ती, कांचीपुरम, करूपर, क्या होता है? कलमकारी कला का एक प्रकार कौन नहीं है? आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये कांचीपुरम नहीं है, जबकि मसूलीपट्टनम और श्रीकलाहस्ती और करूपर ये सब है, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कलमकारी है, वो कलमकारी जाने क्या लिख दिया उसने, कलमकारी कलमकारी वही है, एक चीज़ है दोनों, ठीक है। पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? राठवा, गौड़, भील, वर्ली, किससे संबंधित है पिथौरा चित्रकला? फास्ट चलना है, फास्ट, स्लो नहीं, सभी लोग फास्ट करिए। आंसर की बात करें, आंसर सही होता है ऑप्शन ए, ये है राठवा। पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? ये राठवा से है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभिकथन और कारण से क्वेश्चन दिया है, बताइए क्या होता है राइट आंसर, करिए सभी। मधुबनी चित्रकला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखाएं
और आधारभूत रंग होते हैं। कारण दिया है क्योंकि सभी लोक कलाओं में स्पष्ट रेखाएं और आधारभूत रंग होते हैं। क्या होता है करेक्ट आंसर? करिए सभी, इससे ज़्यादा जूम करेंगे वो फिर दिखेगा नहीं। क्या होता है करेक्ट आंसर इसका? आंसर की बात करें, आंसर ऑप्शन ए सही होता है। अब देख लेते हैं, ये दोनों सही हैं, ठीक है, ऑप्शन ए दोनों सही है। पढ़ लीजिए, मधुबनी चित्रकला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखाएं और आधारभूत रंग होते हैं। ये सही है क्योंकि सभी लोक कलाओं में स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। ये दोनों सही हैं, तो इनको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में कलमकारी कला का एक प्रकार कौन नहीं है? कलमाकारी कला का बताइए, मसूलीपट्टनम, श्रीकलाहस्ती, कांचीपुरम, करूपर, बताइए क्या होता है राइट आंसर? फास्ट चलना है, स्लो नहीं, बिल्कुल स्पीड बढ़ाइए अपनी। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। मसूलीपट्टनम है, श्रीकलाहस्ती है, करूपर है, ये सब है, ये अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर से आ गया है। चलिए आगे, पिथौरा राट चित्रकला किससे संबंधित है? राठवा, गौड़, भील, वर्ली, बताइए। ये भी वही क्वेश्चन है, पहले पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए सही होता है, राठवा से, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं ऊपर, आगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, बताइए क्या होता है राइट आंसर? कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? कांथा, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, क्या होता है करेक्ट आंसर? आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये कांथा जो है कहाँ का है? ये बिहार का है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सुमेल करना है सभी को, करिए सुमेल, क्या होता है करेक्ट आंसर? अरे हाँ, अब बताइए इसका सुमेल करने पर क्या होगा राइट आंसर? एडुआर्डो पाओलोजी, विक्टर पासमोर, एंड्रिया कौसेला, जॉर्ज बोसिलिच, क्या होता है करेक्ट आंसर बताइए? आंसर की बात करें, ऑप्शन बी सही होता है, ऑप्शन अरे हाँ ऑप्शन नंबर बी सही होता है। इसका मिलान सीधे आंसर पर देखते हैं, इसका जो मिलान किया गया है एडुआर्डो पाओलोजी का, ये जैपनीज वार गॉड से किया गया है, और विक्टर पासमोर का किससे? एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट अकर एंड ब्लैंक से, ठीक है। फिर आता है एंड्रिया कौसेला, इसका मिलान किया गया है द वाइट ब्राइट से, और जॉर्ज बोसिलिच का किया गया है फिगर विद रेस्ड आर्म का, ठीक है। तो इन चारों को मिलाया गया है, देख लो एक बार अच्छे से सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया गया? 3500 ईसा पूर्व मिस्र में, 1370 ईसा पूर्व एल एम आर ने, 332 ईसा पूर्व ग्रीस में, 450 ईसा पूर्व रोम में, कहाँ पर किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, 3500 ईसा पूर्व मिस्र में, कहाँ पर? मिस्र में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग पूछा है। आगे सुमेल करना है, फिर से करो, क्या होता है राइट आंसर इसका? दुनवांग गुफाएं, सिगिरिया, बांतेश्री, बोरोबुदुर, कहाँ पर है? आंसर की बात करें, ऑप्शन सी सही हो जाता है। इसका मिलान देख लेते हैं नीचे, दुनवांग गुफाएं जो हैं ये कहाँ हैं? ये चीन में। सिगरिया कहाँ है? ये श्रीलंका में है। बांतेश्री कहाँ है? ये कंबोडिया में है। बोरोबुदुर कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। तो दुनवांग गुफाएं कहाँ हैं? चीन में, सिगरिया श्रीलंका, बांतेश्री कंबोडिया, बोरोबुदुर इंडोनेशिया, देख लीजिए चारों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैपनीज वार गॉड मूर्ति किसने बनाई है? रिस्टाइड, मेलॉल, माइकल आयरटन, एडुआर्डो पाओलोजी, मैरिनो मैरिनी, किसने?
जैपनीज वॉर गॉड मूर्ति किसने बनाई है? आंसर की बात करें, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ये बनाई है एडवर्डो पाओ लॉजी ने। किसने? एडवर्डो पाओ लॉजी ने क्या बनाई है? जैपनीज वॉर गॉड मूर्ति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका फिर से सुमेल करना है, क्या होता है करेक्ट आंसर? प्रागैतिहास, मिस्र, यूनान, रोम, इनका मिलान करके बताना है क्या होता है। राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर डी, मिलान। नीचे हम देखते हैं सीधे, इसमें तो तीन ही चीजें हैं, चलिए इसी में मिला के देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं मिलाकर। तो जो ये प्रागैतिहासिक है, इसको मिलाया गया है वीनस ऑफ विलेनड्रॉप से। किससे? वीनस ऑफ विलेनड्रॉप से। और जो मिस्र है, इसको मिलाया गया है, मिस्र कहाँ है? पिरामिड में है, और मिस्र में क्या है? पिरामिड है। और यूनान को किससे मिलाया गया है? इसको मिलाया है द पार्थेनन से। और रोम जो है, रोम बेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। तो ये हैं, इम्पॉर्टेंट है चारों के चारों, प्रागैतिहास, वीनस ऑफ विलेनड्रॉप, मिस्र, पिरामिड, यूनान, द पार्थेनन, रोम बेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेरामिक हनीवा किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, कोरिया, कंबोडिया। सेरामिक हनीवा किस देश से संबंधित है? क्या होता है करेक्ट आंसर? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी सही होता है, ये है जापान से। सेरामिक हनीवा किस देश से संबंधित है? ये जापान से। आगे बढ़ते हैं, नीचे का अभिकथन और कारण दिया है, इससे बताना है राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। कोरिया और जापान में पहले ही मुद्रण का प्रसार हो गया था, जिसमें चीनी लोगोग्राम्स का भी प्रयोग किया जाता है, और इस तकनीक का प्रयोग वियतनाम में भी किया जाता था, जिसमें अनेक अन्य लिपियों का भी उपयोग किया जाता था। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बताइए, पढ़ लीजिए, पर्याप्त टाइम है। क्या होता है करेक्ट आंसर इसका? हाँ, आंसर की बात करें, ऑप्शन सी सही हो जाता है इसमें, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, पूछा जा सकता है। कोरिया और जापान में पहले ही मुद्रण का प्रसार हो गया था, और इसमें चीनी लोगोग्राम्स का भी प्रयोग हुआ था, बिल्कुल गलत है। इस तकनीक का प्रयोग इस वियतनाम में भी किया जाता था, जिसमें अनेक अन्य लिपियों का भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये भी गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला है? बताइए, चीन, कोरिया, जापान, थाईलैंड। फास्ट चलना है, बिल्कुल स्लो नहीं, फास्ट करो, फास्ट। आंसर क्या होता है? यूकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? चलो चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये जापान की है। यूकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? कहाँ की है? ये जापान की है। आगे चलते हैं, इसका सुमेल करना है, सभी लोग करिए फटाक फटाक से। हनीवा, शैलीडोन, पोशलीन, ब्लू पॉटरी, क्या होता है राइट आंसर बताइए? सभी फास्ट, सभी को जोड़ लीजिए, संख्या बढ़ाइए अपनी। चलो आंसर पे बढ़ते हैं, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, आंसर डी सही होता है। मिलाकर देखते हैं, हनीवा को किससे मिलाया है? जापान से। सेलिडोन को किससे मिलाया है? ये कोरिया से। और एक सेकेंड, पोर्सलिन को अरे यार, सेलिडोन को कोरिया से, पोर्सलिन को किससे मिलाया है? चीन से। और ब्लू पॉटरी को किससे मिलाया है? जयपुर से। तो हनीवा, जापान, सेलिडोन, कोरिया, पोर्सलिन, चीन, ब्लू पॉटरी, जयपुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है चारों के चारों। आगे, चीन की वान वंश की टेराकोटा आर्मी
सर्दियों से, सदियों से, एक सेकेंड, हाँ, सदियों से जमीन में दबी रही, क्योंकि चीन की वान वंश की टेराकोटा आर्मी सदियों से जमीन में दबी रही क्योंकि इन मूर्तियों को आक्रांताओं से छिपाकर रखने का प्रयोजन था। वे अंतिम संस्कार का एक हिस्सा थे और उन्हें दफनाया जाना अभीष्ट था। वे रेतीली आंधियों से दुर्भाग्यवश दब गई थी और वे परवर्ती राजवंशों द्वारा बनाई गई थी। क्या होता है राइट आंसर, बताओ, बताइए क्या होता है करेक्ट। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, वे इसको अंतिम संस्कार मानते थे। ठीक है, क्या मानते थे इसको? अंतिम संस्कार मानते थे, इसलिए वो दफना देते थे। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन कारण से क्वेश्चन दिया है, बताओ। फेरोहिनिक मिस्र में फ्रेस्को सेस्को का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तर्क दिया है, किंतु रोमानो मिस्र में ऐसा नहीं था। क्या होता है राइट आंसर, बताओ। आंसर सही होता है, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, ए सही है और आर सही नहीं है। ठीक है, ए देखिए, फेरोहूनिक मिस्र में फ्रेस्को सेस्को का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। आज ही सुबह वाली क्लास में ये हमने पढ़ा है। ठीक है, आज नहीं, कल या परसों वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सेरेमिक हनीवा किससे संबंधित है? कोरिया से, जापान से, चीन से, कंबोडिया से। सिरेमिक हनीवा कहाँ से संबंधित है? क्या होता है राइट आंसर? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये जापान से संबंधित है। ठीक है, आगे। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? जापान, मिस्र, चीन, भारत। क्या होता है करेक्ट आंसर? हाँ, आंसर की बात करें, ऑप्शन सी सही होता है, यह है चीन। आगे, नेफ्रेटिटी मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में है? ब्रिटिश म्यूजियम यूके, लॉस एंजल्स म्यूजियम यूएसए, लूवर म्यूजियम फ्रांस, बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। कहाँ पर है नेफ्रेटिटी मूर्ति का सिर? चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, ये बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में है। आगे बढ़ते हैं। लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया? लुडविंग माइस वॉन डर रोहे ने, पॉल रैंड, एलन फ्लेचर, इवान चार्मेक। बताइए क्या होता है? क्या होता है राइट आंसर? चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर ए सही होता है, ये है लुडविंग माइस वॉन डर रोहे ने। ठीक है, आगे चलते हैं। पारंपरिक जापानी कास्ट ब्लॉक छापा किस प्रकार किया जाता है? फोटोग्राफिक उपकरण का प्रयोग करके, हाथ से, कंप्यूटर के जरिए, हाथ से चलाने वाली मशीन के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? जापानी कास्ट ब्लॉक छापा किस प्रकार किया जाता है? क्या होता है? आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, हाथ से किया जाता है। कहाँ से? हाथ से किया जाता है। आगे, योद्धा शिल्पकृति किस देश में बनाई गई थी? ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, जापान। बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर? आंसर की बात करें, ऑप्शन बी सही होता है, ये है चीन। आगे चलते हैं। स्नफ बॉटलस मतलब नसबार शीशियां बनाने के लिए कौन सा देश विख्यात है? जापान, चीन, स्वीडन, बेल्जियम। बताइए क्या होता है करेक्ट? फास्ट, स्लो नहीं, बिल्कुल फास्ट। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी,
चीन। आगे, जापानीज वार गॉड की मूर्ति किसने बनाई? पाब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो, एडुआर्ड पाउलोजी, मैरिनो मैरिनी। अभी ऊपर पढ़ा है, जस्ट बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, एडुआर्ड पाउलोजी, जापानीज वार गॉड। आगे, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ पर है? विष्णुपुर, नालंदा, भीतरगांव, बोधगया। कहाँ पर है? चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, ये विष्णुपुर में है। टेराकोटा मंदिर कहाँ है? विष्णुपुर में है। आगे ये देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में स्थित विष्णुपुर टेराकोटा मंदिरों के लिए विख्यात है। ये लेटेराइट पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, यहाँ के पत्थरों मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया है? मल्ल शासकों ने 17 से 18वीं शताब्दी में। आगे, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रोजर फ्राई, सर हर्बर्ट रीड, वी स्मिथ, स्टेला क्रैमरिक। बताइए, क्रैमरिश। मीनिंग ऑफ आर्ट क्या होता है? राइट आंसर, चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, सर हर्बर्ट रीड ने मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी। ठीक है, आगे, एरेना संबंधित है नृत्य से, चित्र से, गायन से, एनिमेशन से। बताओ, एरेना किससे संबंधित है? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ये एनिमेशन से संबंधित है एरेना। आगे, सुमी ए क्या है? चीनी कला है, जापानी स्याही चित्रण है, फारसी रंग है, ईरानी कला है। क्या है सुमी ए? क्या है, क्या होता है राइट? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये जापानी स्याही चित्रण है। ठीक है, सुमिए। आगे, किस चित्र में निर्माण से पूर्व कैनवास को आरबिक गोंद के सहारे लकड़ी के पाटरे पर चिपकाया जाता है, फिर गैसो तकनीक स्वर्ण पत्र रत्न से चित्र चित्रित किए जाते हैं? बताइए, तंजौर चित्र, बंगाल स्कूल और पहाड़ी शैली, कंपनी स्कूल। बताइए क्या होता है राइट आंसर। आंसर की बात करते हैं, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, ये है तंजौर चित्र में। ठीक है, तंजौर चित्र में ऐसा होता है। आगे, वेदरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? दिल्ली में, बंगलौर में, बम्बई, चेन्नई। कहाँ पर है पैदरा आर्ट गैलरी? आंसर की बात करते हैं, आंसर सही होता है ऑप्शन ए, ये है दिल्ली में। वेदरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? दिल्ली में है। आगे चलते हैं, कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? मुंबई, पेरिस, वाशिंगटन, चेन्नई। बताइए क्या होता है राइट आंसर। चलिए चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, मुंबई। ठीक है, आगे, इसको याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। कैमोल्ड आर्ट गैलरी कहाँ है? ये मुंबई में है। वढ़ेरा आर्ट गैलरी कहाँ है? ये दिल्ली में है। बोधी आर्ट गैलरी कहाँ है? ये दिल्ली में है। पेंडोल आर्ट गैलरी कहाँ है? ये मुंबई में है। और टाओ टाओ आर्ट गैलरी, ये मुंबई में। कैमोल्ड मुंबई, वढ़ेरा दिल्ली, बोधी दिल्ली, पेंडोल मुंबई, टाओ मुंबई। ठीक है, ये हो गई। आगे आगे है फिर, धूमीमल
ये दिल्ली में है। स्टेट आर्ट गैलरी, ये अहमदाबाद में है। फिर है दरबार हॉल गैलरी, ये कोची में है। क्रिमजन आर्ट गैलरी, ये बंगलुरु में है। तो धूमीमल दिल्ली, स्टेट अहमदाबाद, दरबार कोची और क्रिमजन बंगलुरु। आगे आगे दिया है कथन और कारण से क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होता है। राइट। समकालीन समय में लोक तथा जनजातीय कला में विषय या शीर्षक बदल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की लोक एवं जनजातीय कला की मांग बढ़ रही है, क्या होता है। राइट। आंसर की बात करते हैं, आंसर सही होता है ऑप्शन डी, मतलब दोनों सही हैं। इसको अब हम जूम करके आंसर आपको बताते हैं, ये भी सही है ये भी सही है। समझिए, समकालीन समय में लोक तथा जनजातीय कला में विषय शीर्षक बदल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की लोक एवं जनजातीय कला की मांग बढ़ रही है, तो ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलमकारी कहाँ की लोक कला है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बताइए। क्या होता है राइट आंसर। हाँ, आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी सही होता है, ये है आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश में है। आगे, हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, क्या होता है। बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये है जापान से, हनीवा टेराकोटा। आगे, फुलकारी कला क्या है, पॉपुलर कला है, ललित कला, लोक कला है, शिल्प कला, क्या है। फुलकारी कला क्या है, फास्ट चलना है बेटा फास्ट। चलो आंसर पे बढ़ते हैं, ये लोक कला है फुलकारी कला, ठीक है। आगे, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है, कैनवास पर, जमीन पर, कागज पर, दीवार पर, बताओ क्या होता है। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, ये जमीन पर। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है, पेस्टल, एक्रेलिक, गोंद मिले, मिट्टी के रंग, तेल रंग, क्या है। क्या होता है करेक्ट आंसर, लोक कला चित्रों का माध्यम। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये गोंद मिले मिट्टी के रंग है, ठीक है। आगे, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मधुबनी, आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये बिहार की है। आगे, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं, वर्ली, भील पिथौरा, मधुबनी, मांडवा, जमुना देवी, बताओ। हाँ, आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन सी सही होता है, ये मधुबनी से संबंधित है, कौन, जमुना देवी। आगे, वर्ली चित्रकला किस प्रदेश से संबंधित है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कहाँ से, बताओ। चलिए आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन ए सही होता है, ये है महाराष्ट्र से, वर्ली चित्रकला। आगे, तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं, लोक कलाकार, लोक गायिका है, लोक नर्तकी है, कोई नहीं, तीजन बाई,
आंसर सही होता है ऑप्शन बी, ये गायिका हैं। कौन है ये गायिका हैं? कौन? तीजन बाई। आगे, बिहू नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। बिहू कहाँ का है? सिंपल सा है, ऑप्शन बी सही होता है, ये असम का नृत्य है। आगे, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, कालीघाट, लालघाट। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? क्या होता है? आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन सी, ये कालीघाट से संबंधित है। आगे, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब। तनखा कुंडलित चित्र, आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी सही होता है, ये हिमाचल में पाए जाते हैं तनखा। आगे, मधुबनी लोक चित्र कला किस प्रदेश प्रदेश की है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये भी गलत हो ना तो फिर ठीक है। क्या होता है? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, ये है बिहार के। आगे, मिलान करना है, बताओ करिए मिलान, क्या होता है? गुजरात, एलिफेंटा, वैशाली, पटना। मिलाना है, बताओ। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। अब हम यहाँ पे मिलान करके दिखाते हैं, ठीक है? ऑप्शन ए यही वाला सही हो जाता है, ठीक है? तो गुजरात को मिलाते हैं अपभ्रंश शैली से। अपभ्रंश शैली कहाँ की है? गुजरात की है, इसी को हम पश्चिम शैली भी बोलते हैं, ठीक है? फिर आता है एलिफेंटा, ये कहाँ पर है? ये मूर्तिकला शैली है ये एक। और फिर आता है ये वैशाली का, ये मुंबई के पास पड़ती है, ठीक है? वैशाली कहाँ पर है? वैशाली है लोक कला शैली, ठीक है? फिर आता है पटना, पटना क्या है? ये एक प्रकार की बाजार शैली। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी पूरी छपने की संभावना है इसकी। गुजरात अपभ्रंश शैली, एलिफेंटा मूर्तिकला शैली, वैशाली लोक कला शैली, पटना बाजार शैली, ठीक है? चले आगे, चलिए आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताओ। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? सांझी, अल्पना, मांडना, अघोरी, किसमें है? क्या होता है करेक्ट आंसर? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी सही होता है, यह है अल्पना में, ठीक है? ज्यामिति रूपकम। आगे, सांझी कला पर, सांझी कला किस पर की जाती है? कागज पर, भूमि पर, कलसे पर, कपड़े पर। सांझी कला किस पर की जाती है? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी सही होता है, ये भूमि में की जाती है। जो सांझी कला है ये कहाँ पर करते हैं? जमीन पे, भूमि पर। आगे, तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है? ग्रामीण जीवन का चित्रण, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, पशु पक्षी का चित्रण। क्या होता है? तंजावुर चित्रकला किसका विषय है? सभी करिए फास्ट, संख्या बढ़ाओ, संख्या संख्या। चलो आंसर पे बढ़ते हैं, आंसर सही होता है ऑप्शन सी, हिंदू देवी देवताओं का ये चित्रण है, ठीक है? कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है, तंजावुर चित्रकला। आगे, वुड कटिंग अब बताओ, वुड कटिंग प्रक्रिया के विलोम काट का कालक्रम का चयन करना है, मतलब कालक्रम बताना है इसका, वुड कटिंग प्रक्रिया के। क्या होता है? विलोम पूछा है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, आंसर सी सही होता है, पहले प्रेसिंग, फिर इकिंग, फिर एनग्रामिंग, फिर ड्राइंग। ड्राइंग, एनग्रामिंग, इकिंग, फिर प्रेसिंग, तो ये हो जाता है, ठीक है? वो सी होता है, ऑप्शन सी
आगे चलते हैं। फिर से मिलान करने को दिया गया है, मिलाइए क्या होता है राइट आंसर। मधुबनी, फड़, वर्ली, पटचित्र, इनका मिलान करना है, क्या होता है करेक्ट आंसर। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर डी सही होता है, 4132। मिलाइए पहले, चलिए हम नीचे ही देख लेते हैं आंसर पे। तो देखिए ये जो मधुबनी है ये बिहार की है, फड़ कहाँ की है, राजस्थान की है, वर्ली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, पट्टचित्र उड़ीसा की है। इसकी हमने एक क्लास आपको पढ़ाई थी अलग से, जिसने ना पढ़ी हो थ्योरी वाले सेक्शन पे जाकर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, मधुबनी लोक चित्र किस राज्य का है, अभी पढ़ा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कहाँ का है, तो ये बिहार का है, पढ़ चुके हैं। आगे, मध्य प्रदेश की कौन सी परंपरागत कला नहीं है, बताइए, MP PCS में पूछ चुका है ये, पिथौरा कला, मिथिला कला, गोड़ कला, चितेरा कला, मध्य प्रदेश की कौन सी परंपरागत कला नहीं है, क्या होता है करेक्ट। आंसर पे चलते हैं, 58 है, ऑप्शन बी सही होता है, ये मिथिला कला नहीं है, जबकि पिथौरा कला, गोड़ कला और चितेरा कला ये सब कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश की कला में आता है। आगे, मधुबनी शैली में प्रायः चित्र को चित्रित किया गया है, किस पे, ताड़पत्र पर, कागज पत्र पर, वस्त्र पर, कोई नहीं, कहाँ पर चित्रित किया गया है, 59, फास्ट चलो फास्ट। चलिए आंसर पे, हाँ आंसर पे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही होता है, इनमें से कोई नहीं, मधुबनी शैली जो है ये किस पर चित्रित है, नीचे देखते हैं। मधुबनी शैली या चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिमा, सहरसा और मुजफ्फरपुर और मधुबनी नेपाल के कुछ ऐसे क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ा दीवारों, क्या है, कपड़ा दीवारों और कागज पर उतर आई है, कहाँ पर, कपड़ा में, दीवारों में और कागज पर उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। आगे, तो कहाँ पर है ये जो अभी पूछा है मधुबनी शैली, ये कपड़ों पर भी है और कहाँ पर है, देखिए नीचे अभी पढ़ा ना हमने, कपड़ों पर है, दीवार पर है और कागज पर उतार ली गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, गुदना कला की प्रभा को और किस नाम से जानते हैं, अंग आलेखन, रंग आलेखन, आलेखन, रेखा आलेखन, क्या कहते हैं गुदना कला को, तो क्या होता है राइट आंसर। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए सही होता है, इसको हम कहते हैं अंग आलेखन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी स्त्रियां सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हैं, मांडना, गुदना, अल्पना, सांची, क्या होता है। छत्तीसगढ़ की स्त्रियां सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हैं, आंसर सही होता है ऑप्शन बी, ये गुदना पसंद करती हैं, ठीक है। आगे, लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है, रासायनिक, खनिज, सिंथेटिक, कृत्रिम, क्या होता है, 62। चलिए शाबाश, आंसर सही होता है ऑप्शन बी, इसमें खनिज का, ठीक है। आगे, अभिकथन कारण से दिया है क्वेश्चन, राजस्थान की लोक चित्रकला सहापुरा की फट चित्रों से जानी जाती है, राजस्थान की लोक चित्रकला उड़ीसा के पट चित्रों से भी जानी जाती है, क्या होता है राइट आंसर, बताइए करेक्ट क्या होता है। आंसर सही होता है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन आर गलत है, ये उड़ीसा के लिए नहीं जानी जाती है, ये जानी जाती है सहापुरा के लिए,
वर्ण चित्रों के लिए जानी जाती है। ठीक है, आगे आगे आता है, फिर से अभिकथन कारण से है, बताइए। लोक कला में दैनिक जीवन के उपयोग की प्रत्येक वस्तु अलंकृत और सुंदर बना दी जाती है, क्योंकि लोक जीवन में जीवन सरल और अपरिष्कृत रूप में होता है। अतः लोक कलाकार ऐसी दैनिक वस्तुओं की नीरसता को दूर कर उन्हें सजीव व्यंजकों में बदल देता है। क्या होता है 64 का? आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। लोक कला में दैनिक जीवन की प्रत्येक एक बार फिर से सुनिए। लोक कला में दैनिक जीवन की उपयोग की प्रत्येक वस्तु अलंकृत और सुंदर बना दी जाती है, क्योंकि लोक जीवन में जीवन सरल और अपरिष्कृत होता है। अतः लोक कलाकार ऐसी दैनिक वस्तुओं की नीरसता को दूर कर उन्हें सजीव व्यंजकों में बदल देता है। दोनों सही हैं। आगे चलते हैं, सुमेल करना है। क्या होता है सुमेल करने में? आंसर बताइए। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बंगाल। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मजा आ रहा है, बताइए क्या होता है राइट आंसर इसका, करिए फास्ट। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, आगे ही देख लेते हैं आंसर पर। क्या दिया है? महाराष्ट्र में चित्रकथा परंपरा, गुजरात में गरोड़ा परंपरा, राजस्थान में फड़ और कावड़, फिर आता है बंगाल में पटुआ परंपरा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, चित्रकथा परंपरा कहाँ? महाराष्ट्र में, गरोड़ा परंपरा गुजरात में, फड़ और कावड़ ये राजस्थान में, पटुआ बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कावड़ निर्माण में किस पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? अशोक के पेड़ की, सालर के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, सागवान के पेड़ की, किसके पेड़ की? कावड़ निर्माण में आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये सालर के पेड़ की, किसकी? साल के पेड़ की है ये। ठीक है, सालर जाने क्या लिख दिया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल के पेड़ मतलब सागवान, उसी को कहते हैं। आगे, खेरादी सुथार जाति के लोग किस लोक कला परंपरा से संबंधित हैं? फड़, मांडना, कावड़, मृणशिल्प। क्या होता है राइट आंसर? चलिए हाँ, आंसर पे चलते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये है कावड़। क्या होता है ऑप्शन सी? कावड़ से। ठीक है, आगे चलते हैं। पाल गोंग का चित्र कौन सा है? सर्कस, पीला ईसा, तीन महिलाएं, ओलंपिया। क्या होता है करेक्ट आंसर? चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, ये है पीला ईसा। किसका है ये? पाल गोंग का है। आगे, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। BHU आर्ट में पूछा गया है ये, बताइए पोंगल कहाँ का है? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, ये है तमिलनाडु का। ठीक है, आगे, मधुबनी लोक चित्र किस राज्य की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कहाँ की है? देख रहे हैं क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन सी सही होता है, ये बिहार की है। मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई? फिर वही क्वेश्चन है, बिहार में हुई है। आगे, उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, बताइए क्या होता है? सभी लोग चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर ए सही होता है, ये है कथक। उत्तर भारत की पूछेगा कथक, अगर केरल की पूछेगा तो ये है कथकली। कहाँ की है ये? केरल की है। भरतनाट्यम कहाँ की है? ये तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये
आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लोक कला नृत्य के रूप में बिहू को कौन सा भारत का राज्य मनाता है, बताइए। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, असम। बिहू कहाँ का है? बिहू की बात करें, ऑप्शन डी सही होता है, ये है असम का है बिहू। और एक और याद रखिए, सत्रिया, सत्रिया बहुत पूछा जाता है, ये भी कहाँ का है? ये भी असम का है। आगे चलते हैं। लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, कब मनाते हैं? लोहड़ी किस महीने में मनाते हैं? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, ये जनवरी में मनाते हैं। कब मनाते हैं? जनवरी में। आगे, कथकली किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा। अभी बताया है जस्ट ऊपर, किसका है? फास्ट। चलो चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर ए सही होता है, केरल का है, ठीक है। आगे, कुमाऊं की लोक कला का नाम क्या है? सांझी, रंगोली, ऐपड़, मधुबनी। कुमाऊं की लोक कला का नाम क्या है? राइट आंसर क्या होता है? चलिए चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये है ऐपड़, ठीक है। आगे चलते हैं, फास्ट चलना है, स्लो नहीं। जल्लीकट्टू कहाँ से संबंधित है? पोंगल, ओणम, बिहू, रथ यात्रा, बताइए। क्या होता है? देखो, इसने संबंधित से पूछा है। ऑप्शन ए, हाँ ठीक है, आंसर पे देखते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, पोंगल से संबंधित है। जल्लीकट्टू, हम आपको बता दें, जल्लीकट्टू कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु से है। और पोंगल कहाँ से है? ये भी तमिलनाडु से है। तो इसने संबंध पूछा है, तो ये पोंगल और जल्लीकट्टू। बिहू कहाँ का है? असम का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। रथ यात्रा कहाँ की है? रथ यात्रा कहाँ की है? हाँ, वो क्या नाम है, दिमाग में नहीं आ रहा, अरे जगन्नाथ स्वामी जी की वो होती है ना रथ, हाँ पुरी, पुरी कहाँ पर पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान में रंगीन घाघरा पहने घूमते हुए नृत्य को क्या कहा जाता है राजस्थान में, बताइए। गरबा, लावड़ी, बिहू, घूमर, क्या कहते हैं राजस्थान में? आंसर सही होता है, सिंपल से क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल आंसर सही होता है ऑप्शन डी, ये है घूमर। कहाँ होता है? राजस्थान में। लावड़ी कहाँ होता है? ये होता है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है लावड़ी? महाराष्ट्र में होता है। बिहू कहाँ होता है? असम में होता है। गरबा कहाँ होता है? ये गुजरात में होता है। भांगड़ा कहाँ होता है बताओ? भांगड़ा कहाँ होता है बताइए फटाक से। कलमकारी किस प्रदेश का प्रसिद्ध प्रिंट है, बताइए। बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। अभी ऊपर हो चुका है ये, बताइए क्या होता है? कलमकारी किस प्रदेश का प्रिंट है? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। भांगड़ा कहाँ का है? हमारे घर का है ना, कहाँ का है? आपके घर का। सूखे रंगीन चावल, आटा अथवा फूलों की पंखुड़ियों से कलात्मक डिजाइन बनाया किससे कहा, मतलब इसे क्या कहा जाता है ये पूछा है। रंगोली, अल्पना, महौर, वेदिका। चावल, आटा, फूलों की पंखुड़ियों से कलात्मक, बताइए क्या कहते हैं? हाँ, आंसर सही होता है, इसे हम कहते हैं रंगोली। चावल को कलर करके बनाते हैं ना रंगोली, उसी को। आगे, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की प्रचलित प्राचीन लोक नृत्य कौन सी है, क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का पूछा है, फेमस है उत्तर प्रदेश का। गोंड, राउत, रासलीला, भांगड़ा, क्या है भाई अपने उत्तर प्रदेश का? चलिए आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होता है, ये राउत नाच है। रासलीला भी अपने ही यहाँ होती है, ठीक है, याद रखिएगा इन्होंने, लेकिन पता नहीं क्या आंसर दिया है, देखते हैं। आंसर दे रहा है राउत नाच,
राउत नाच, ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की प्रचलित प्राचीन लोक नृत्य राउत नाच है। राउत नाच किसके द्वारा किया जाता है? यादवों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो खुद को कृष्ण का वंशज मानते हैं और इसमें वे देव उधनी एकादशी के समय नृत्य करते हैं। ठीक है, ये भी समझ लीजिए ब्रज क्षेत्र का है, लेकिन रासलीला भी अपने उत्तर प्रदेश की ही है। ठीक है, रासलीला, नौटंकी हो गई, ये सब कुछ अपने यूपी का ही है। ठीक है, तो आज हमारे 81 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में और आज हमारा ये टोटल 81 क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं और आज चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। कल हमारा न्यू चैप्टर आएगा। तो कल जो न्यू चैप्टर आएगा वो होगा ग्राफिक कला। आज लोक कला कंप्लीट हो गई है, कल हम ग्राफिक कला को देखेंगे। और क्लास कैसी लगी सभी को बताइए, क्लास कैसी लगी है? अच्छी लग रही है? कैसी लग रही है? चलिए चलिए ठीक है, फिर तो क्लास को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलिए फिर, गुड नाइट, सो जाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की सुबह क्लास।